मैंने खरीद लिया है इंडिया के टॉप सेलिंग TWS जो आपको मिल जाते हैं रुपीज 3000 के अंदर, और वो मैंने खरीदे हैं उनकी टॉप रेटिंग्स और ग्रेट रिव्यूज के बेसिस पे, और मैं करने वाला हूँ उन सभी ईयरबड्स के साथ रियल टाइम टेस्ट, और आपको सुनाने वाला हूँ उन सभी का एक्चुअल साउंड एक्सपीरियंस, और साथ ही मैं कंपेयर करूंगा उनको डिजाइन, कंफर्ट, यूजेबिलिटी, स्टेबिलिटी और कॉल्स क्वालिटी में भी। और वो ईयरफोन के ब्रांड्स हैं नॉइस ईयरबड्स प्रो, बोल्ट ऑडियो ओमेगा, वन प्लस नॉट बड्स एंड जाबरा एलीट 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सभी ईयरफोन्स की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो इन सभी ईयरबड्स में से मुझे बोल्ट और जाबरा का केस डिजाइन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और मॉडर्न लगा। और यहाँ पे अगर मैं नॉइस और वन प्लस की बात करूँ तो उन दोनों का केस डिजाइन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगा, और उनका वेट भी स्लाइटली ज्यादा था बाकी दोनों ईयरबड्स के कंपैरिजन में। मगर फिर भी मुझे यहाँ पे नॉइस, बोल्ट और जाबरा का केस डिजाइन काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली लगा। और यहाँ पे अगर मैं वन प्लस की बात करूँ तो मुझे इतना ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं लगा, क्योंकि वो मेरी पॉकेट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा विजिबल था। और यहाँ पे सभी ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, और उनका केस ओपनिंग और क्लोजिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ था। हालांकि बोल्ट की प्लास्टिक क्वालिटी और ओपनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था। और यहाँ पे अगर मैं इनके ईयरबड्स की बात करूँ तो नॉइस, बोल्ट और वन प्लस के साथ आपको यहाँ पे एक स्टेम डिजाइन देखने को मिल जाता है, और वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे जाबरा के साथ आपको एक स्टेमलेस डिजाइन देखने को मिलता है, और वो भी एक काफी पॉपुलर डिजाइन है। और यहाँ पे अगर मैं कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो सभी ईयरफोन्स मेरी ईयर्स के अंदर मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगे, और इन सभी की यहाँ पे रबर टिप्स भी काफी ज्यादा सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से मैं उनको लॉन्ग आवर्स के लिए भी काफी आराम से यूज कर पा रहा था। और यहाँ पे आपको इन सभी ईयरफोन्स के अंदर IPX5 या IPX55 की रेटिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से आप उनको इवन हैवी रेन के अंदर भी काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कंफर्ट के साथ स्टेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने किया है यहाँ पे एक रन टेस्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि नॉइस, बोल्ट और वन प्लस के ईयरफोन्स रनिंग करते टाइम काफी ज्यादा स्टेबल थे। और यहाँ पे अगर मैं जाबरा की बात करूँ तो रनिंग करते टाइम उसको बीच बीच में थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा था उसके ईयरबड्स के ये आउटर एक्स्ट्रा वेट की वजह से। तो मैं आपको ये ईयरबड्स इंटेंस वर्कआउट्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब बात करते हैं इन सभी ईयरबड्स की यूजेबिलिटी के बारे में, जिसके अंदर आपको नॉइस, बोल्ट और वन प्लस के साथ यहाँ पे टच कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके साथ आप गानों को प्ले या पॉज कर सकते हैं, या फिर आप उनको यहाँ पे इवन चेंज भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं जाबरा की बात करूँ तो उसके ईयरबड्स के साथ आपको यहाँ बैक साइड पे एक्चुअल क्लिकेबल बटन मिलते हैं, जिनको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना पड़ता है, मगर फिर भी वो यूज करने में काफी ज्यादा इजी थे। और यहाँ पे मैंने सभी TWS की ब्लूटूथ रेंज को भी चेक किया है एक ओपन स्पेस के अंदर। और उसका रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाबरा के साथ आपको सबसे अच्छी ब्लूटूथ रेंज मिलती है, और यहाँ पे अगर मैं बाकी ईयरबड्स की बात करूँ तो उनके साथ भी आपको एक अच्छी ब्लूटूथ रेंज मिल जाती है, और वो भी एक डेली यूसेज के हिसाब से काफी रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बोल्ट और वन प्लस के साथ आपको अराउंड 30-32 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, और यहाँ पे अगर मैं नॉइस और जाबरा की बात करूँ तो उसके साथ भी आपको एक 20 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली ईयरबड्स की बैटरी की बात करूँ तो बोल्ट, जाबरा और वन प्लस के साथ आपको अराउंड 7-8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, मगर यहाँ पे नॉइस के साथ आपको अराउंड सिर्फ 4 आवर्स का ही बैकअप मिलता है। और यहाँ पे आपको वन प्लस के ईयरबड्स के साथ अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग के साथ 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बाकी ईयरबड्स की बात करूँ तो उसके अंदर 10 मिनट की चार्जिंग के साथ आपको अराउंड 1-1.5 आवर्स का बैकअप ही मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन सभी ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी की, और वो करने के लिए मैंने यूज किया एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक का, जिसके अंदर आप लेफ्ट और राइट ईयर का इन ईयर एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। तो कोई भी ईयरबड्स के अंदर एक अच्छा बेस तो बनता है, तो यहाँ पे हमने किया एक बेस परफॉर्मेंस टेस्ट, और वो करने के लिए हमने सभी ईयरफोन्स की वॉल्यूम को सिमिलर लेवल पे सेट कर दिया है। तो चलिए फिर इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिसनिंग एक्सपीरियंस के बाद मुझे वन प्लस का बेस यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा डीप और पंची था, और उसके इमीडिएट बाद नॉइस और जाबरा का बेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा था, बट वन प्लस से थोड़ा सा कम। और फाइनली अगर मैं बोल्ट की बात करूँ तो उसकी बेस परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगी। और बेस के साथ हमने चेक किया यहाँ पे सभी ईयरबड्स की वोकल और इंस्ट्रूमेंटल क्लैरिटी को भी, जो कि काफी काम आती है मूवीज देखते टाइम या फिर कोई मेलोडीज गाना सुनते टाइम। तो चलिए फिर इस टेस्ट को भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
इस टेस्ट के अंदर भी वन प्लस की परफॉर्मेंस ने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वोकल और इंस्ट्रूमेंटल क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे अगर मैं बाकी ईयरबड्स की बात करूं तो उनकी साउंड क्लैरिटी भी यहाँ पे काफी अच्छी थी, बट उतनी नहीं जितनी वन प्लस की थी। तो हम सभी अपने ईयरबड्स को म्यूजिक के अलावा कॉल्स के लिए भी काफी यूज करते हैं, और उसके लिए किया मैंने सभी ईयरबड्स के साथ एक माइक क्लैरिटी टेस्ट एक नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है नॉइस ईयरबड्स के साथ। सो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम नॉइस ईयरबड्स। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है बोल्ट ईयरबड्स के साथ। सो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट फॉर बोल्ट ईयरबड्स। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है वन प्लस ईयरबड्स के साथ। सो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट फॉर वन प्लस ईयरबड्स। माइक क्वालिटी टेस्ट है जाबरा ईयरबड्स के साथ। सो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम जाबरा ईयरबड्स। तो यहाँ मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे बोल्ट और वन प्लस की वॉइस क्वालिटी काफी ज्यादा क्लियर लगी, और इवन उनका बैकग्राउंड नॉइज भी यहाँ पे काफी ज्यादा कम था, और उसके इमीडिएट बाद मुझे नॉइज की भी माइक क्लैरिटी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे अगर मैं जाबरा की बात करूँ तो उसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी, क्योंकि उसके साथ में बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा ज्यादा सुन पा रहा था। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स की। तो मेरी आपको यहाँ पे सबसे पहली रिकमेंडेशन होगी वन प्लस के ईयरबड्स की, क्योंकि उसके साथ आपको काफी अच्छा बेस और साउंड क्लैरिटी मिलती है, और साथ में आपको काफी यूनिक फीचर्स मिलते हैं जैसे कि अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और यहाँ पे मेरी सेकंड रिकमेंडेशन होगी आपको नॉइस की ईयरबड्स की, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी सारी टेस्ट के अंदर काफी अच्छी थी, और उसके अंदर मुझे कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं मिला। और यहाँ पे अगर मैं बोल्ट और जाबरा की परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी बाकी दोनों ईयरबड्स की थी। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारी रिकमेंडेशन कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है, और यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेस्ट और डिटेल कंपैरिजन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और 3000 के बजट में इंडिया की बेस्ट स्मार्ट वॉच कौन सी है वो आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो में। सो आई एम गोना सी यू देयर।